मिल गई कि नहीं? हाँ। अरे ये क्या, मैं भी आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। कौवा इस जगह पे बैठा हुआ था और लगातार अंदर चूंच मार रहा था, लेकिन जैसी मेरी नजर पड़ी ना तो उड़ के वापस चले गया। अरे मछली तो नहीं उठा के ले गया? हमारा कोना जो है ना इस वक्त यहाँ पे है, लेकिन पानी गंदा होने की वजह से ना मुझे अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे करते हैं कि पहले इस पानी को चेंज करता हूँ और फिर मछलियों को गिनता हूँ कि पूरी हैं मछलियाँ। हमारा टाइगर टर्टल जो है ना इस वक्त बाहर आना चाह रहा है, लगातार हिल रहा था, तो इसको कुछ देर ना हम खुशकी भी छोड़ देते हैं। चलो कुछ देर यहाँ पे चलो फिर, उसके बाद तुम्हें दोबारा से तुम्हारे घर में रखूँगा। इस पानी को पहले हम चेंज करते हैं। तो अभी मैंने सारी मछलियों को देख लिया है, पूरी हैं जितनी थी ना उतनी की उतनी है। शुक्र है कि कौवा नहीं लेके गया। और पानी भी इस वक्त चेंज हो चुका है। और अभी मैंने ना इस बर्तन के अंदर मछलियों को रखा है, साइड पे ये पत्ते भी लगा दिए हैं ताकि ये जब घर से बाहर निकले ना इस छोटे से बर्तन में से तो इनको पता चले कि कितना खूबसूरत है हमारा घर। इसलिए मैंने इनके घर को खूबसूरत किया है। तो अब इनको ना बस बाहर निकालते हैं। तो चलो ज़रा देखो अपना घर। हाँ अरे घर में जाओ ना। अरे पानी ख़त्म हो गया और जाएंगे रही घर में, चलें पूरी जाएंगे अब। हाँ चलो जी, सारी पत्ते के नीचे छुप गई हैं, इसलिए तो नहीं पता रखा था। अपनी शक्लें भी दिखा दो ज़रा। हाँ इस तरह। अरे ये पत्ते के नीचे छुप जाती हैं बार बार। ऐसे करते हैं हम अपने टर्टल को देख लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं है। पूरे सैन में कछुए को देख लिया लेकिन कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहा। कुछ देर तक ना मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ यार अब कहाँ पे छुप के बैठ गया। इसके काम देखें, घर से बाहर जाने के इरादे हैं। क्या हुआ, हमारे घर पसंद नहीं आता? देखे किस तरह भागता जा रहा है। इधर आओ सर, इधर आओ। ऐसा करते हैं कि इसे ना अब इसके घर में छोड़ देते हैं, नहीं तो इसने कहीं पर छुप जाना है, गायब हो जाना है और फिर मुझे ढूंढ ढूंढ के मैंने पागल हो जाना है। तो इससे पहले ही काम करते हैं कि इसको इसके घर में रखते हैं हम। चलो अब तुम अपने घर में चलो, खाना वगैरह तुम्हारा तुम्हारे पास ही है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा खाना, नज़र तो नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका खाना कौन सा है। इसका खाना है ये जो पत्ते हैं ना ऊपर स्टूत के, यही इसका खाना है और ये बड़े शौक से ये पत्ते खाता है। एक दो दिन के अंदर ना देखना ये दोनों पत्ते गायब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे हमेशा की तरह। आज गर्मी वैसी है, मैं बाहर आ चुका हूँ अपने जानवरों के पास और इन दरख्तों पर जो चिड़ियाँ परिंदे कौवे बैठे हैं ना मुझे देख के मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन कौवे ज़रा तुम तो खामोश ही रहो ना, तुम्हारी आवाज़ कानों में चुभ रही है। कोई कोयल वगैरह यहाँ पे बैठी मेरी आवाज़ सुन रही है तो वो ज़रा बोलती जाए, क्योंकि उसकी आवाज़ सुन के ना कानों को सुकून मिलता है। कौवे की आवाज़ से तो कानों के दर्द शुरू हो जाता है। क्या हुआ, थैले में डाल ली? नहीं यार, यहाँ से दरवाजा खुला और भाग गई। ना कर, आई भी थी कि नहीं? आई भी, ये तो वादा ऐसे था। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। कैसे निकल गई है ये? ऐसे एकदम से गिरा वो जा रही। तो कुंडी लगती नहीं है यहाँ पे? नहीं सही नहीं लगती। अरे यार सारी मेहनत बेकार चलेगी। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये ट्रैप हमने वैसे लगाया था बिल्ली को पकड़ने के लिए और बिल्ली इसमें आ भी गई थी, लेकिन बिल्ली आने के बाद ना जब उसने देखा ना कि मैं इधर फंस गई हूँ, कैद हो गई हूँ, तो वो मेरे को हिली होगी इधर उधर आलियान, और उसके बाद ना दरवाज़ा नीचे गिर गया। क्या ये कुंडी का मसला है यार फिर? ये उतार के दोबारा लगानी चाहिए। यहाँ वैसे एक सुराख है, एक और काम भी कर सकते थे। सुराख कर देते ना यहाँ पे? नहीं, अगर यहाँ से हम कोई लकड़ी वगैरह या कोई कील वगैरह यहाँ से नीचे चढ़ा देते इसके सामने, ऐसे करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें हमें बाद में क्यों पता चलती है, पहले क्यों नहीं याद रहती? अब बिल्ली कहाँ से आएगी इसके अंदर? ऐसे अब बिल्ली मुझे नहीं लगता आएगी दोबारा। हाँ इसी तरह ऐसे बिल्ली का काम आ रहा है। कील लगाएंगे ना, ये तो लकड़ी कच्ची है ना, कील लगाएंगे तो वो काम कर देगा। मुर्गियाँ किधर चलेगी? बिल्ली फिर भाग गई हमारे से। वाइट मुर्गी और मुर्गियाँ जितनी भी है ना इस वक्त फार्म हाउस में होती हैं। और इस मुर्गे के चेहरे को देखें, इस तरफ से नहीं दूसरी तरफ से दिखाओ ज़रा, देखे सारा काला हुआ पड़ा है। और आपको मैं बताता हूँ कि ये काला क्यों हुआ है। जो हमारी दूसरी मुर्गी ने जिसने चूज़े निकाले हुए अंडों में से, ये मुर्गा उसके पास गया था दोस्ती बनाने के लिए। इसके साथ दोस्ती बिल्कुल नहीं की और इसको उल्टा मारा और भगा दिया, और इस वजह से ना इसका ये हाल हुआ पड़ा है। मुर्गा ना उम्र में छोटा है,
तो इस वजह से मार खा लेता है मुर्गियों से। थोड़ा बड़ा होगा ना तो फिर मुर्गियों से डील कर सकेगा, अभी तो छोटा ना इस वजह से। गायब होगी, मिल गई कि नहीं आई भाई? नहीं, देखना बिल्ली ने खा जानी अगर नजर ना आई तो। कहाँ गई? तो यहीं पे थी यहाँ। ये बैठी कितनी मासूम शक्ल बना के दिखाओ। अरे यार ये जो चिड़िया ना, इसके पीछे बिल्ली पड़ी हुई थी और अचानक नजर पड़ी है इस बेचारी से ना, उड़ा भी नहीं जा रहा, तो क्या करने आ रहे हैं इसका? इसके लिए एक्सक्यू करके ले जाते हैं। इसके भी मामा पापा नहीं यहाँ पे? वो कदम में देख छोड़ने करते तो फिर शायद दूर से आ रही हो भागी बात। क्या करें यार इस बेचारी का, अभी तो जान बचा ली है बिल्ली से, लेकिन अगर ये दोबारा छोड़ दी इससे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। इसे गाड़ी ले जाते हैं, रेस्क्यू कर लेंगे, यही करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। यार इस चिड़िया को देखिए, बिल्कुल हिप्नोटाइज हुई है, इसे कोई होश नहीं है ना, ये ओढ़ी है, मैंने इसको बिल्कुल ऐसे खुले हाथ में रखा हुआ है। अली देख यार, हिप्नोटाइज हो गई है, हिल ही नहीं रही, देख यार ये तो वाकई हिप्नोटाइज हो गई है यार। इस चिड़िया को देख, हाँ करने की क्या जरूरत थी ये रहो। अरे अरे इस कमरे में नीचे चलेगी। जैकी ने आजकल अपनी ये वाली जगह पक्की कर ली है। कैसे देख रहा है, यहाँ से हिलना नहीं है तुमने क्या? इस क्यारी की मट्टी ना गीली होती है और गीली होने की वजह से ठंडी होती है, तो इस वजह से ना सारा दिन जैकी अब यहाँ पे गुजारता है अपना। जब तक गर्मियों का मौसम है ना, इसने यहाँ से नहीं हिला करना। तो जैकी बैठे रहो। छुटकू गैन जब छोटी होती थी ना, तब ये भी बहुत शोर करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए ना तो समझदार हो गए हैं और अब शोर नहीं करते। तो अब तुम लोग ना मुझे अच्छा लगना शुरू हो गए हो, तो चलो बाय। जेफ ओली के घर का भी दरवाज़ा बंद है सुबह से, तो क्या इतने गुस्से में क्यों आ गए हो? आज मैं देर से खो रहा हूँ इसलिए। तुम तो हर वक्त गुस्से में होते हो, तो मैं जल्दी भी खोलूँगा गुस्से में, देर से भी खोलूँगा तो गुस्से में। तुम्हारा गुस्सा तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है ना। तो अभी मैंने इनके घर का दरवाज़ा खोल दिया ना, अब ये खुद ही बाहर आ जाएंगे। ओली इस वक्त अंदर है और जेफ बाहर। कल रात को तुम्हारे बच्चों ने जितना मुझे तंग किया ना, तुमने क्या बताओ? कल ब्लैक गैंग को मैंने 2 घंटे लगा के रात को पकड़ा है। दिन के वक्त इनको मैं बाहर निकालता हूँ ना, लेकिन रात को ना ये खुद अपने आप ना अपने घर में नहीं जाते हैं, तो फिर मुझे इनको पकड़ के इस घर में रखना पड़ता है। खुद तो तुम अपने घर में जाके सो जाती हो सेफ जगह पे, अपने बच्चों को बाहर ही छोड़ जाती हो, और सुबह के वक्त यहाँ पे खड़ी रहती हो कि मेरे बच्चों को बाहर निकालें। बताओ फिर, इस तरह काम थोड़ी चलेगा। रात को तुमने अब अपने बच्चों को इस घर में लेके जाना है। फिर मैं यार खोला करूँगा, वरना रात को मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है इनको पकड़ने में। तो अभी इसके बच्चों को निकाल लेते हैं बाहर, चलो देखते। बस इतना खुश हो जाते हैं ना ये, इसी वजह से मुझे फिर इन पर तरस आ जाता है। मैं कहता हूँ यार चलो कोई नहीं, यार खोल ही देता हूँ। फिर ही है ना,